विशाल और फंक्शन का जूरी मीटिंग, इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ और आप जूरी में उसके बारे में। हाँ ओके, मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है टू बी द जूरी मेंबर ऑफ यू नो द रिटेल ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ ज्वेलरी देखने को मिल रहा है जो द बेस्ट 20 डिज़ाइंस ऑफ ईच कैटेगरी इन आर कंट्री, एंड आई वुड से आई एम रियली प्राउड ऑफ इंडिया एंड द ज्वेलर्स एंड द टैलेंट दैट वी हैव इन आर ओन कंट्री, एंड इट्स अ वंडरफुल डिस्प्ले। पहले बार मैं यहाँ पे आई हूँ एंड आई वुड से इट्स अ ऑनर टू बी हियर। खास करके मुझे गोल्ड टेंपल ज्वेलरी बहुत पसंद है। मेरे शादी के लिए भी हम लोग ने साउथ इंडियन स्टाइल में वेडिंग किया था, तो आई वाज टॉप टू बॉटम इन गोल्ड साउथ इंडियन टेंपल ज्वेलरी। जी वही कैटेगरी में गोल्ड विवाह ज्वेलरी में एक बहुत ही खूबसूरत पीस है, अगर मुझे 4 साल पहले देखा होता तो मैं अपने शादी में वो पहनती थी। जब जज करने की बात आती है तो कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में? आई थिंक पर्सनली मैं अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से जज करती हूँ, एंड ऑल्सो ओवरऑल लुक एट व्हाट विमेन इन आर कंट्री एंजॉय वेयरिंग। पहले तो मैं डिज़ाइन देखती हूँ, मुझे यू नो एटलीस्ट इट हैज़ टू ग्रो ऑन मी, उसके बाद डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ द stones and everything is very important. Secondly, thirdly, I think I prefer jewelry which is lightweight और repeat value होना चाहिए। अगर आप इतना पैसे डाल के कुछ खरीद रहे हो तो उसे उसका मन करना चाहिए कि आप बार बार पहने, यू नो वो। retailers को क्या message देना चाहेंगे? मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि यू नो गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सब ने इतना मेहनत करके एक एक पीस इतना खूबसूरत है, हमें रैंक्स देने में बहुत बहुत यू नो मुश्किल लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द हार्ड वर्क एंड अमेजिंग टैलेंट इंडिया। थैंक यू।